नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। देश के लिए मेडल लाने वाले हर एथलीट की जिंदगी एक जैसी नहीं होती। जिनकी जिंदगी उनके खेल में रहते हुए सुर्खियों का हिस्सा बनती है और कुछ की जिंदगी खत्म होने के बाद। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका खबरों में आने की वजह हमें हैरान कर देती है। लिम्बा राम भी इसी लिस्ट में आते हैं। कभी मैदान पर खड़े होकर मेडल्स पर निशाना साधने वाले तीन बार ओलंपियन तीरंदाज लिम्बा राम आज दोस्तों की मदद से अपना इलाज करवा रहे हैं। करीब एक महीने पहले पता चलने पर उन्हें न्यूरो डिजर्टिव कंडीशन में हैं, जिसके चलते घूमने फिरने में उन्हें परेशानी होती है। कभी कभार जवान भी फिसल जाती है, ठीक से बोलने तक में परेशानी होती है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस चमक दमक भरी खेल की दुनिया में देश का नाम रोशन करने वाला योद्धा आज लाचार बन गया है। लिम्बा राम ने तीन बार ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने 1992 में बीजिंग में एशियन चैंपियनशिप में 30 मीटर के इवेंट के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की। 1991 में उन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके बाद उन्होंने भारतीय टीम के कोच की भूमिका भी निभाई। साल 2012 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर बात करते हैं। देश में खेलों पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं और खिलाड़ियों पर पैसे पानी की तरह बरस रहे हैं, लेकिन भारत के प्रथम तीरंदाज जिन्होंने विश्व स्तर पर तीरंदाजी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त की है, कई विश्व रिकॉर्ड जिनके नाम हैं, अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री से सम्मानित तीरंदाज लिम्बा राम किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इन दिनों वे एक बीमारी से जूझ रहे हैं। डॉक्टर्स के अनुसार उन्हें एपेक्सिया है, मतलब ब्रेन में बैलेंस बिगड़ने की बीमारी। लिम्बा राम फिलहाल SMS अस्पताल में भर्ती हैं। डॉक्टर भावना शर्मा की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। वहीं अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर DS मीणा ने बताया कि न्यूरोलॉजी विभाग में उनका इलाज चल रहा है और उनकी हालत में फिलहाल पहले से सुधार है। उनको थोड़ा बोलने में प्लस हाथ पांव में वीकनेस है, न्यूरोलॉजी विभाग में भर्ती हैं। वो विभाग उनको इन्वेस्टिगेट कर रहा है और अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। सारा ट्रीटमेंट तो चार्ट आउट वो इन्वेस्टिगेट हो जाएंगे, उसके बाद ही होगा। इनके लिए जो भी इन्वेस्टिगेशन हमारे अस्पताल से होने हैं, जो भी हमारे अस्पताल से हैं, वो सारा हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। और डॉक्टर्स दो तीन डॉक्टर्स उनको आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं कि क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। लिम्बा राम के साथी कमलेश शर्मा ने बताया कि उन्हें चलने फिरने में दिक्कत है, ठीक से बोल भी नहीं पा रहे हैं। कुछ दिनों पहले SMS स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन के दौरान ही उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। ऐसे में पहले उन्हें डॉक्टर अशोक पणगड़िया के पास ले जाया गया था और बाद में SMS में भर्ती कराया गया। हमारे सेक्रेटरी साहब राउंड का कम्प्लेस थोड़ा दिखा लो, क्यों अशोक पणगड़िया जी पद्मश्री भी हैं और हिंदुस्तान के न्यूरोलॉजी के सबसे टॉप डॉक्टर हैं। मैं उनसे पूर्व में परिचित भी था और मेरे तुरंत कहा नहीं चलता हूँ मैं, तो मैंने गाड़ी पर बिठाया, सीधे हम पणगड़िया जी के पास गए। हमने वहाँ जाके नंबर लगाया, हमारा नंबर लग गया और मैंने लिम्बा राम लिखाया। थोड़ा उनको जो उनके असिस्टेंट हैं उनको बताया, हमारी लेट तक पर्ची गई। परंतु जब पद्मश्री वो अपने लिम्बा राम से मिले, मैंने बताया सब लिम्बा राम जी वो हैं, तो वो इतने अशोक पणगड़िया जो कि मैं आज इस रूप में देख रहा हूँ इस बीमारी के साथ, मैं बहुत पहले ही मिलना चाह रहा था इनसे, तो खुशी खुशी एक पद्मश्री ने पद्मश्री की इज्जत की और 2000 जो फीस ले वो भी तुरंत उन्होंने लौटाई कि मैं इनसे फीस थोड़ी लूँगा, इनकी सेवा करूँगा, इनका क्या रहोगा। उन्होंने तुरंत अपनी पर्ची में अपने यहाँ के अधीक्षक मीणा जी को डेपुट किया, उनको लिखा कि इनको कोटेजवाड़ दिया जाए और भावना शर्मा को तुरंत लिखा कि इनकी ये जांच करिए, इनका पूरा डायग्नोसिस करिए। लिम्बा राम की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, यहाँ तक कि उनके पास अपनी बीमारी के इलाज तक के पैसे नहीं है। ऐसे में अब स्पोर्ट्स काउंसिल उनकी मदद के लिए आगे आया है। हालांकि अपने पति के इलाज के लिए चिंतित जैनी लिम्बा राम ने गुहार लगाई है हालांकि अपने पति के इलाज के लिए चिंतित जैनी लिम्बा राम ने गुहार लगाई है कि देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों का ऐसा कार्ड बनाया जाए जिससे कम से कम उन्हें इलाज के लिए तो ना भटकना पड़े। मदद मिल सके, ट्रीटमेंट अच्छा से हो जाए, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे बड़े लोग होते हैं, पैसे वाले होते हैं, हम तो पैसे वाले नहीं, तो
अच्छा ट्रीटमेंट करना चाहते हैं मेरे हस्बैंड को। कब से पता चला आपको कि कोई दिक्कत है? पहले से थोड़ा थोड़ा है, पहले लास्ट डे भी हमने अपना मैडम को दिखाया था, एडमिट नहीं हो पाया। मैडम ने बोला था पहले से एडमिट करना पड़ेगा, नहीं हो पाया। खेलों की आज की चमक दमक की इस दौर में खेल को नया मुकाम देने वाले खिलाड़ी कहां गुम हो रहे हैं, किसी को पता तक नहीं चल पा रहा है। जरूरत है ऐसे खिलाड़ियों को वो सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं जो उनका सही सम्मान कर सकें। न्यूज इंडिया के लिए जयपुर से महिमा मंत्री की रिपोर्ट। तो महिमा मंत्री हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। महिमा, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि लिम्बा राम जी की स्थिति जो है वो इस वक्त क्या कुछ है और डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? देखिए, बताना चाहूंगी, अभी हाल ही हमारी बात हुई है डॉक्टर से, तो उनका यही कहना है कि अभी लिम्बा राम जी की जो स्थिति है वो उसमें सुधार आया है और अभी कुछ एक दो जांचें हैं जो आज सुबह ही हुई है, उसकी रिपोर्ट आज शाम तक या कल सुबह तक आ जाएगी, जिससे और स्थिति जो है उसका पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या एक्चुअली पोजिशन है लिम्बा राम जी की। और बताना चाहेंगे, लिम्बा राम जी के कुछ दिन पहले ही वो स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहे थे, उस दौरान उनके अचानक पैरों में लड़खड़ाने लगे और पैरों से वो बिल्कुल चल नहीं पा रहे थे और मुंह से भी वो बोल नहीं पा रहे थे, तो जिसकी वजह से उनको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा और डॉक्टर ने उनको SMS अस्पताल में एडमिट होने को रेफर कर दिया। वहीं डॉक्टर भावना की यूनिट में वो अभी वहां पर एडमिट है, न्यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट है डॉक्टर भावना SMS हॉस्पिटल की। अभी जो स्थिति डॉक्टर भावना यही बता रही है कि अभी जो स्थिति है उनकी उसमें काफी कुछ सुधार आया है और उनको अभी कई महीनों तक रेस्ट करने को बोला है और बिल्कुल इधर उधर स्ट्रेस लेने को नहीं बोला है, बिल्कुल प्रेशर माइंड में आना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं तिरंदाज एक ऐसा गेम है जिसमें बिल्कुल माइंड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत जरूरी होता है, तो वो स्ट्रेस लेने को इनको नहीं बोला है, बिल्कुल अभी खेलने के लिए भी मना किया गया है, बिल्कुल आराम करने के लिए अभी उनको वहां पर बोला गया है, क्योंकि जो स्थिति बनी है वो कहीं ना कहीं गंभीर है और जो बीमारी है वो भी कहीं ना कहीं गंभीर है। इससे पहले भी उनको इस तरह की दिक्कत आई थी लेकिन लिम्बा राम जी तब एडमिट नहीं हुए थे, डॉक्टर्स ने उनको सलाह भी दी थी एडमिट होने की लेकिन उस समय वो एडमिट ना होते हुए केवल उपचार ही करवा रहे थे अपना, और लेकिन इस समय जब स्थिति ज्यादा बिगड़ी तो उन्होंने तुरंत अपने आप को वहां पर SMS में एडमिट करवाया। और अभी हमारी कुछ देर पहले लिम्बा राम जी से खुद से बात हुई है, उन्होंने ये तक बोला है कि मेरी स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार आया है और मैं बिल्कुल बराबर यहाँ पर रेस्ट कर रहा हूँ और कहीं कुछ एक दो दिन के अंदर ही डिस्चार्ज होने की पूरी पूरी संभावना है। बिल्कुल, एक से दो दिन में डिस्चार्ज अगर हो जाते हैं ये अपने आप में बड़ी बात है। इस वक्त कमलेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व आर्चरी कोच भी हैं और मित्र भी हैं लिम्बा राम जी के। बहुत बहुत स्वागत है कमलेश जी आपका न्यूज इंडिया पर। सर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश जी, परिस्थितियां आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि उस वक्त आप ही मौजूद थे जो उन्हें हॉस्पिटल ले गए इलाज करवाने के लिए, परिस्थितियां क्या थी और हुआ क्या था एग्जैक्ट? एग्जैक्ट क्या हुआ था कि इनकी तबीयत थोड़ी नरम थी तो अशोक पनगड़िया जी जो पदम से लिए उनके पास पहुंचा जी, और उन्होंने भावना जी को पूरी डिटेल के रूप में लिख करके भेजा और एक स्पेशल मेडिसिन जो वो समझते थे वो तुरंत दी, और उसके बाद मैडम ने सभी तरह के टेस्ट कराए और काफी सुधार अब आ गया है। और दिनों दिन एक जो बहुत बड़ा जो टेस्ट था जो SMS अस्पताल में नहीं हो पा रहा था जो बाहर हो गया है जी, यहाँ से मैडम ने NOC दे दी थी वो आज हमने कमरा लिया, 16,500 का टेस्ट था और हमारे जैसे मोन्टी ने स्पेशल आदेश दे रखे हैं मेडिकल से जो भी खर्चा होगा जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से 4 एम्प्लॉय जो लगे हैं मेरे साथ वो तुरंत इलाज करा के और डॉक्टर साहब को रिपोर्ट करते हैं जी, और इनको बिल्कुल मेडिटेशन से कूल दिमाग से, हालांकि भीड़ बहुत आ रही है इनके मिलने वाले काफी आते हैं जी, परंतु उनको बस इस सीमित मात्रा में इनको ध्यान से मेडिटेशन कराते हुए, और एक यहाँ के फिजियोथेरेपिस्ट ने इतना अच्छा इलाज किया जीभ का, उसको एक्यूप्रेशर करके गले की आवाज को, इनकी आवाज भी थोड़ी खुली है और दिनों दिन सुधार आ रहा है, भावना जी नियमित रूप से देख रही है। जैसी ममती जी हमारे जो IAS अधिकारी है खेल सेक्रेटरी है वो हर मिनट की रिपोर्ट ले रहे हैं, और नारायण सिंह जी जो RS अधिकारी है वो भी समय समय पर अपनी टीम को भेज रहे हैं जी।
तो कमलेश जी, एक चीज़ आपसे समझना चाहेंगे कि जो हमारे पास जानकारी निकल कर आई उसमें ऐसी भी परिस्थितियां हैं कि आज लिम्बाराम जी के पास इलाज करवाने तक के पैसे नहीं हैं, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि एक तरफ तो चमक दमक, कल ही की अगर हम बात करें आईपीएल के मैचेस जयपुर में हो रहे हैं, पैसे खिलाड़ियों पे बरस रहे हैं, और दूसरी तरफ हम जब लिम्बाराम जैसे खिलाड़ियों को देखते हैं तो दुख होता है। नहीं, मैं ये बताऊं साहब, लिम्बाराम जी खुद खेल अधिकारी है और खेल विभाग के और राजस्थान खेल परिषद में मेडिकल जो पूरी सुविधा दी जाती है गवर्नमेंट की, और ये जो भी रिएम्बर्स तुरंत खर्चा होता है जी। अब इनके पास पैसे की अभाव था, तो जैसे मोन्टी ने 2 महीने की सैलरी एडवांस जमा करा दी इनके अकाउंट में और सभी को लगा दिया है कि इनको जो भी इलाज के खर्चे महंगा से महंगा भी होगा उनका तत्काल मैं बिल पास करूंगा, एडवांस स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से दे दिया गया। तो और बाकी काफी जो मिलने जुलने वाले आ रहे हैं काफी सहानुभूति है। उधर विजय कुमार मल्होत्रा जी ने भी वसुंधरा जी से कोई लेटर भेजा है, और राजवर्धन जी का भी वहां से पीए और अपने यही आए थे भारतीय खेल प्राधिकरण के पुष्पेंद्र जी जो कि विद्याधर नगर में सेंटर चल रहा है, उन्होंने तत्काल भेजा या और जो भी लिम्बाराम की समस्या हो, आर्थिक रूप की हो और कोई समस्या हो, तो भारतीय खेल प्राधिकरण के और भारत सरकार के खेल मंत्री खुद खिलाड़ी रहे राजवर्धन जी, उन्होंने समय समय पर 2 बार अपने पीए को और भेज रहे हैं, मतलब कोई तरह की कोई समस्या नहीं है। प्रशासन यहाँ का भी लगा हुआ है, राजस्थान का भी और भारत सरकार भी काफी लगा हुआ। इस वक्त की स्थिति आपसे समझना चाहेंगे कि वो कैसी है उनकी, जब एसएमएस में इलाज चल रहा है। हाँ, ये काफी संतुष्ट है और मेन जो रिपोर्ट आ जाएगी वो 10 दिन बॉम्बे से आएगी, और रिपोर्ट आफ्टर 7 डेज उसके बाद में भावना मैडम कोई उस स्तर पे पहुंच जाएगी, उससे तुरंत इम्प्रूव होगा उस मेडिसिन चलने से। तो मेडिसिन टेस्ट पे डिपेंड कर रही है और अब तक जो मेडिसिन दी जा रही है वो काफी एनर्जेटिक है, और आज काफी एनर्जेटिक आपसे भी वार्ता कराई मैंने लिम्बाराम से। जी जी, यस सर। दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, खेल पत्रकार हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद अभिषेक जी। दिनेश जी, कल जब हम चर्चा कर रहे थे आईपीएल को लेकर के, तो ऐसा लग रहा था कि मानो खेल की वो दुनिया किस चमक दमक में पहुंच गई है, और आज जब हम चर्चा कर रहे हैं लिम्बाराम जी के बारे में तो दुख होता है खेल को लेकर। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, जहां क्रिकेट में अथाह पैसा है वहां दूसरे खेलों के खिलाड़ी जूझ रहे हैं, जिंदगी बचाने के लिए जूझ रहे हैं, तैयारी के लिए जूझते रहते हैं, परिवार पोषण की उनके सामने समस्या है। कई बार ऐसी स्टोरीज आती है कि उन्हें बहुत छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और ये देश के जो कर्णधारों के लिए सोचने का विषय है कि आखिर क्रिकेट में इतना पैसा है और दूसरे खेलों को इतना उपेक्षापूर्ण व्यवहार क्यों मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लिम्बाराम जो कम से कम राजस्थान के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए भी एक ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी थे जिन्होंने तीरंदाजी को विश्व में पहचान दिलाई, खासतौर से राजस्थान के छोटे से ग्रामीण इलाके में, बांसवाड़ा डूंगरपुर का जो इलाका है वहां पे जो साई की स्पेशल एरिया की टीम होती थी वहां से उन्हें चिन्हित किया गया था, और मिस्टर राव हुआ करते थे जो खेल प्राधिकरण के उस समय उस एरिया में कोच थे, तो उन्होंने ढूंढ करके निकाला था इन प्रतिभाओं को, लेकिन उसके बाद पूरी दुनिया में डंका बजा दिया। और देखिए, लिम्बाराम की यह स्थिति आज से नहीं है, आपको याद होगा कुछ समय पूर्व जब वे भारतीय टीम के कोच थे और फिर राजस्थान आए थे, उन्हें गैराज में रहना पड़ा था, बिल्कुल उनके इलाके के विधायक ने उन्हें अपने गैराज में रखा था और उसके बाद से उन्हें वहां से भी निकाल दिया गया था। तो जब ऐसी स्थिति पहले से उनके सामने थी तो मैं समझता हूँ कि सभी को चेतना चाहिए था कि वे मुश्किलों में हैं, तो उनके भविष्य की और उनकी स्थिति के बारे में थोड़ी सी चिंता करनी आवश्यक थी जी। तो कुछ उदासीनता दिखती है दिनेश जी स्पोर्ट्स को लेकर के, भले ही बातें बहुत सारी हो जाती हैं, लेकिन जो क्रिकेट की अगर हम बात कर लें, क्रिकेट के अलावा किसी दूसरे स्पोर्ट्स में इस तरीके की स्थिति हम नहीं देख पाते हैं, और यही वजह है कि आज जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो क्रिकेट की तरफ ज्यादा रुझान करते हैं, बाकी इन खेलों की तरफ, चाहे तीरंदाजी की बात कर लें या फिर बैडमिंटन, टेनिस, इन चीजों की बात कर लें, हॉकी की बात कर लें, उस तरफ मुड़ना बहुत कम चाहते हैं। देखिए, क्रिकेट में अच्छा पैसा है, शोहरत है और उसके अलावा चमक चमक है, तो सभी जने उसमें जाना चाहते हैं। और मैं कहूंगा कि मैं जब खेला करता था ये कोई स्थिति नई नहीं है, उस जमाने में भी क्रिकेट और टेनिस बैडमिंटन ही ऐसे खेल थे जो अभिजात वर्ग के कहलाते थे, यानी फुटबॉल और जिस तरह के खेल खेलने वालों को थोड़ा सा भेद दृष्टि से देखा जाता था।
लेकिन अब वह स्थिति उतनी बुरी भी नहीं है। लेकिन यह जरूर है कि जो खाई है क्रिकेट के अंदर जो इतना पैसा है बाकी खेलों को जूझना पड़ता है वह और ज्यादा गहरी होती जा रही है। क्योंकि देखिए जो अभिजात वर्ग है समाज का भले ही फिल्म स्टार हों नेता हों अधिकारी हों सभी क्रिकेट में घुसना चाहते हैं। अभी कल आपने देखा आईपीएल के पासों के लिए कितनी ज्यादा मारामारी थी। तो बिल्कुल देखिए सबसे बड़ा जो दोष आता है घूम फिर के लोग दे देंगे आम आदमी पर। आम आदमी क्यों क्रिकेट स्टेडियम में जाता है? 1 लाख लोग इकट्ठा होते हैं, कल लगभग 25,000 आदमी थे, और किसी खेल में इतने लोग नहीं जाते हैं। और इतने लोग यदि जाएंगे तो पैसा अपने आप आने लगेगा। तो आम जनता को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। जी बिल्कुल, इसमें जो परिस्थितियां हैं इसको बेहतर करने के लिए पहल भी सरकार की तरफ से की जानी चाहिए। एक चीज कमलेश जी आपसे जरा सा समझना चाहेंगे, आप तो आर्चरी के कोच भी रहे हैं, आपने बच्चों को सिखाया भी है आर्चरी को लेकर के, लेकिन वजह क्या है कि आज हम दूसरे खेलों की तरफ लोगों को मुड़ता नहीं देखते हैं, क्रिकेट की तरफ पे आप जिससे देखें क्या बनना चाहते हैं क्रिकेटर, क्या बनना चाहते हैं क्रिकेटर, कोई ये नहीं बनना चाहता कि हम हॉकी खेलना चाहते हैं, हम टेनिस खेलना चाहते हैं, हम बैडमिंटन खेलना चाहते हैं, हम कबड्डी खेलना चाहते हैं, ये कोई नहीं बोलता। देखो मैं आप हेलो जी हाँ मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा क्रिकेट गेम है परंतु वो एक रिक्रिएशन गेम है और बहुत कम देशों का गेम है। पॉपुलैरिटी इतनी है कि आम पब्लिक से जुड़ा हुआ हो गया वो, बाकी तीरंदाजी ओलंपिक खेलों में है और इसको कम से कम 262 देश खेलते हैं और इतना कंपटीशन होता है इसके अंदर। आपको क्या बताऊं, वर्ल्ड के अंदर लिंबा राम ने 3 बार ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया बिल्कुल, और राजस्थान का रत्न के रूप में नवाजा गए। इसलिए सरकार के टाइम पे जब इंडिया टीम में रहे तो 10 लाख रुपए से इनको ऑनर किया गया जी। और सरकार के जो है पहले इनको फर्स्ट ग्रेड कोच बनाया गया, साथ में श्यामलाल को भी कोच बनाया गया और फिर खेल अधिकारी भी तुरंत बनाया गया। अब जितने राजस्थान के नियम है उसके हिसाब से तो प्रोसेस किया जा रहा है जी। आज इनकी वजह से राजस्थान के तीरंदाजी खेल का जो उत्थान हुआ है एकदम ऐसे, कहते इनके टाइम पे श्यामलाल लिम्बा राम दूरचंद 3 ओलंपियन बने, फिर लाल सिंह बना अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, सुरेश खड़िया बने और नंद किशोर बना, फिर जयंतीलाल नरेश बना। अब इस समय वर्तमान में जब से जगतपुरा एकेडमी में लगे हुए हैं तो यहाँ से 3-4 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बने। अभी भी आप रिकर्व में देखिए कि नेशनल में लिम्बा राम और गजेंद्र राव जो लगे हुए हैं, तो आज इस समय रिकर्व में हमारे ज्यादा मेडल आया और रजत चौहान फिर गोल्ड से चैंपियन बना, आज की न्यूज है। तो कहने का मतलब है लिम्बा राम राजस्थान के धरोहर है, इनके खड़े रहने से खिलाड़ी बन रहे हैं और राजस्थान सरकार राजस्थान खेल परिषद जेपी मोहंती जी मतलब जब भी इनको आवश्यकता पड़ती है, 25 बीघा इनकी जमीन थी पर वो जमीन से संतुष्ट नहीं थी और उसके बाद शामिल जमीन हो रही है। तो कई चीज ऐसी है कि जैसे इनका उदयपुर में तो प्लाट है पर तो जयपुर में प्लाट नहीं मिल पाया। अब ये थोड़ी सी गवर्नमेंट इनको प्लाट दे देती है, हाउसिंग बोर्ड का दे देती है, तो फिर मैं मानता हूं कि ये बड़ा सुखी जीवन जी पाएंगे। क्योंकि ये अभी भी चाहते हैं कि मैं, इनका एक सपना है कि मैं ओलंपिक में नियम बदल गए इसलिए मेरा मेडल चूक गया था, अब मैं चाहता हूं मेरे सामने ओलंपिक में मेडल आए। तो तारिका भी लड़कियों में ऊपर उभर रही है, सीमा सरोले भी ऊपर आ रही है जो ओलंपिक को हरा के आई है। भले ही कहीं कहीं और भी बच्चे हैं ओलंपिक का एक सपना है जो मेडल लेके आ सकते हैं जी। तो कहीं ना कहीं हम ये चीज जरूर देखते हैं कि बाकी सारे गेम्स जो हैं उन्हें इग्नोर भले ही कर दिया जाता हो, लेकिन जब ओलंपिक्स में एक कांस्य पदक भी हिंदुस्तान का कोई खिलाड़ी जीतता है तो उस समय ऐसी स्थिति लगती है जैसे ये हमारे घर का हो, ये हमारा अपना है, हमारे घर से निकल करके गया है। लेकिन जब उस खेल को खेलने की बारी आती है 4 सालों तक, उस वक्त कोई ध्यान नहीं देता। नहीं, सरकार देगी या खिलाड़ी खुद अपना अवेयरनेस होता है, खिलाड़ी की चाहत में पहुंच जाएगा मेरे को ये मिलेगा तो मेडल लाऊंगा, खिलाड़ी तो देश के लिए जुनूनी बन जाता है सर बिल्कुल, और जुनूनी बन के और वो खेलता है। अब उसको प्रारब्ध क्या मिलेगा अगर वो हो जाएगा उसका मेडिटेशन खत्म हो जाता है बिल्कुल। तो यही सरकार बिना कहे उनको कहां आवास व्यवस्था सुंदर होनी चाहिए, थोड़ा सा भी तकलीफ आए तो प्रशासन साथ लग जाना चाहिए,
क्योंकि ओलंपिक खेल में जिसने पहल का मचाया है, वर्ल्ड में नाम कराया, कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लेके आया, वो लिम्बा राम एक धरोहर है राष्ट्र की। बिल्कुल, तो राज्य के लिए नहीं, वो राष्ट्र के लिए धरोहर हैं। हाँ, राष्ट्र के लिए धरोहर, बिल्कुल राष्ट्र के लिए धरोहर हैं। दिनेश शर्मा जी, किस तरीके से उभारा जाए ताकि जो ओलंपिक्स में हमने देखा है लिम्बा राम ने 3 बार क्वालिफाई किया, वजह जो भी रही हो, पदक तक नहीं पहुंच पाए हो, लेकिन क्वालिफाई करना ही एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। अगर वर्तमान हालात में हम आईपीएल क्रिकेट इन चीजों से दूर हटकर के थोड़ा अगर दूसरे स्पोर्ट्स पर भी ध्यान दें, तो उसके लिए सरकार को क्या पहल करनी चाहिए ताकि ओलंपिक्स में जो हैं, जो लिम्बा राम सपना देख रहे हैं कि यहाँ के जो तीरंदाज हैं वो स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक लेकर के आए। देखिए, सबसे बड़ी बात जैसा अभी कमलेश जी कह रहे थे कि आखिर में पदक जो जीतता है उसी का सारा सम्मान होता है, सभी इनाम उसे दिए जाते हैं। बिल्कुल, वह स्थिति बड़ी खराब है, उसके लिए शॉर्टकट अपनाने लगते हैं खिलाड़ी। इससे बेहतर ये होगा, जैसे मुझे याद आता है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अब खेल मंत्री हैं, वे जब एथेंस में पदक जीत करके लौटे थे तो उन्होंने कहा था कि इतना समर्थन यदि मुझे पदक जीतने से पहले मिलता या किसी भी खिलाड़ी को मिलता तो बहुत ज्यादा पदक आ सकते हैं। यानी जरूरत यह है कि हम सिर्फ पदक को ना देखें, जो तैयारी चल रही है, जिसका ग्राफ ऊपर जा रहा है जिस खिलाड़ी का, कम से कम उन लोगों को पहले से तवज्जो देना शुरू करें, पहले से सुविधा जुड़ाना शुरू करें। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो यह पहलू भी सही है कि अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती है, इसमें कॉरपोरेट्स को आगे आना होगा, आम जनता को यह समझना होगा कि वह खेल के मैदान तक जाए जिससे कि वहां भीड़ देख करके स्पॉन्सर्स उस खेल की तरफ जाएंगे। यानी सिर्फ आप सोचें कि सरकार के भरोसे हाथ बांध के बैठ सकते हैं तो कोई भी खेल ऐसा नहीं कर सकता है। क्रिकेट सरकार से सहायता लेता ही नहीं है, बल्कि चला के सरकारें चाहती हैं कि क्रिकेट से हम जुड़े। अभी आपने देखा होगा कि नगर निगम ने आईपीएल मैचों के दौरान कहा कि हमारे ब्रांड एम्बेसडर का काम करेगी टीम, तो यानी वे खुद हाथ बढ़ाते हैं। तो खेलों को उस स्थिति में पहुंचना चाहिए जहां की मदद के हाथ अपने आप आए, और कुछ हद तक इसमें आम आदमी को भी अपनी ड्यूटी निभानी होगी कि कम से कम खेल के मैदान तक जाए और वहां खिलाड़ियों को समर्थन दे। और प्रायोजक भीड़ देखकर आते हैं, यह सब कुछ मार्केट ड्रिवन है, और खेलों में भीड़ आएगी तो प्रायोजक अपने आप उधर पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर एक विकसित सर्किल है और इसे तोड़ना इसलिए मुश्किल है कि क्रिकेट के साथ ग्लैमर बहुत जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, इन खेलों के साथ कहीं ना कहीं ग्लैमर नहीं है, और यही वजह है कि इन खेलों की तरफ ज़्यादा रुझान ना तो हम सरकार का देख रहे हैं और ना ही जो खिलाड़ी हैं वो ज़्यादा इस ओर मुड़ पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी और कमलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। महिमा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल जो स्थिति है लिम्बा राम की वो सुधरती हुई दिख रही है, और हम उम्मीद यही करेंगे कि जल्द से जल्द लिम्बा राम मैदान पर वापस आएं। कार्यक्रम में इतना ही, देखते रहें न्यूज़ इंडिया, नमस्कार। हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।